हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर। दिस इज अनुज खेई। न्यूजीलैंड की टीम फिलहाल जश्न मना रही है। उन्होंने WTC का जो फाइनल था भारत को हरा के जो चैंपियनशिप जीती है उसकी हर जगह सराहना हो रही है, प्रशंसा हो रही है। ऐसे में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मेस है, यानी जो ट्रॉफी के तौर पर एक मेस इस बार इस टाइटल के तौर पर आप ये कह सकते हैं न्यूजीलैंड को मिली है। दरअसल न्यूजीलैंड की टीम उसे मेस नहीं मानती है, उसे एक अलग नाम दिया है। क्या उसे नाम दिया है, क्यों उसकी इतनी चर्चा हो रही है, सारी जानकारी आपको हम देंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा और जो सब्सक्राइब का बटन आपको सामने दिख रहा है इसे भी ज़रूर आप क्लिक कर दीजिए और स्पोर्ट्स टाइगर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको बता देंगे न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त जो जश्न मना रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने का, जो खुशी एक जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। तो ऐसे में उस नाम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो मेस है उसको अलग नाम क्यों दे दिया गया है। जी हाँ, माइकल मेसन के तौर पे उसे कहा जा रहा है। न्यूजीलैंड के सभी खिलाड़ी उसे माइकल मेसन के तौर पे बुला रहे हैं। दरअसल माइकल मेसन के बारे में आपको बता देते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ऐसा क्यों जिक्र कर रहे हैं, मेसन की क्यों जो है इस वक्त नाम लिया जा रहा है। माइकल मेसन एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो कि न्यूजीलैंड से खेलते थे, जिन्होंने 26 ODIs और एक टेस्ट में जो है माइक न्यूजीलैंड के लिए खेला और 2010 में आखिरी बार वो फीचर किए थे न्यूजीलैंड की टीम में। उसके बाद से जो है वो टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। अब एक कुम्ब्राइडरी आपको ये बताती है कि माइकल मेसन को क्यों याद किया जा रहा है, क्यों ऐसा जो है एक शख्सियत के तौर पर एक मेस को आप कैसे माइकल मेसन के तौर पर कह सकते हैं। तो ये दिखाता है कि न्यूजीलैंड की जो एक यूनिटी है, जो एक एकजुटता है, वो शायद उसको एक फन एलिमेंट में आप कह सकते हैं कि उन्हें याद किया जा रहा है। और रही बात जश्न की, रही बात सेलिब्रेशन की, तो न्यूजीलैंड डिज़र्व करता है, न्यूजीलैंड डिज़र्व करता है हर एक पल को जीना, क्योंकि 2015-2019 में रनर अप रहने के बाद 2021 का ये WTC फाइनल में भी आप जो है ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरीके से उन्होंने छाप छोड़ी, वो डिज़र्व करते थे। वो हर एक पहलू पे, हर एक पैरामीटर पे आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड थोड़ा आगे था भारत से, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड आज WTC चैम्पियन है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की जो लेगेसी है, जो विश्व विजेता का एक टैग है, 144 साल से हम वेट कर रहे थे कि कौन इसका, एक अल्टीमेट टेस्ट में हम वेट कर रहे थे कि कौन इसका विश्व विजेता होगा, एक इंडिविजुअल विनर होगा, तो उस टाइटल के लिए न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल डिजर्व करता था। तो आपने देखा कि किस तरीके से न्यूजीलैंड जो है हर एक मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है, हर एक पल को जो है न्यूजीलैंड की टीम जी रही है। और देखते हैं कि किस तरीके से वो है आने वाले 2 सालों में जो एक लेगेसी वो आगे लेके जाएंगे, काफिला जो है टेस्ट क्रिकेट का अब उनके नाम है। देखते हैं किस तरीके से वो अपने परफॉर्मेंसेस को बरकरार रख पाते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।